धाम राधा जी की राजधानी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो अभी बज चुके हैं सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरा सारा काम हो चुका है जल्दी। आज इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो मेरा लंच वगैरह बन गया है क्योंकि टिफिन लेके जाते हैं वो, तो मेरा लंच बन गया है। और बस अभी मेड आनी बाकी है, वो अपना झाड़ू पोछा जो भी काम करना है वो कर लेगी, बाकी मेरी तरफ से सारा काम कंप्लीट है। तो सोचा आज आप लोगों से कुछ शेयर किया जाए। तो ऐसा है कि कुछ एक्चुअली 2 ईयर्स मतलब 2 साल से ऐसा हो रहा था कि मुझे जो है राइट साइड में काफ़ी पेन रहता था, तो मतलब काफ़ी मतलब 2-3 महीने में एक बार पेन रहता था। तो जैसे होता था मैं बाहर का खाना खाए या कुछ हैवी डाइट ले ली, तो उसकी वजह से नाइट में मुझे ऐसा लगता था गैस की प्रॉब्लम हो रही है, साइड में पेन होता था और मतलब मॉर्निंग में ठीक हो जाता था। तो यही होता था कि हो सकता है कि वो गैस्ट्रिक अटैक हो। तो ऐसे करते करते मतलब 2 साल निकल गए, मुझे लगा हो जाता होगा, कई लोग गैस की प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था तो ठीक है वो हो गया। फिर एक बार अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मुझे मतलब हम लोगों ने बाहर डिनर किया और घर आए और वापस मुझे वही वाला पेन स्टार्ट हो गया। बट इस बार मुझे इतनी वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हुई थी, इतनी वॉमिटिंग हुई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, इतनी वॉमिटिंग। फिर उसके मतलब कंटिन्यू इवन पानी भी मैं अगर पी रही हूँ ना तो वो भी पूरा वॉमिट में बाहर आ रहा है, तो बिल्कुल पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। पर ठीक है, मेरे को लगा ये गैस वाली प्रॉब्लम होगी, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बट मॉर्निंग से मतलब काफ़ी टाइम हो गया वॉमिटिंग। इवन मैंने इलेक्ट्रॉल पिया, सब कुछ ट्राई किया कि शायद सही हो जाए, नहीं सही हुआ। फिर हस्बैंड भी बोले कि अब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरा बीपी भी काफ़ी लो हो गया था और मतलब चक्कर से आने लग गए थे, क्योंकि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। फिर यही हुआ कि हस्बैंड बोले भाई डॉक्टर को दिखा ही आते हैं, ऐसा मत करो कि ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग गए डॉक्टर के और डॉक्टर ने इमिडिएटली कोरोना टेस्ट कराया, क्योंकि आजकल यही है कोविड टेस्ट के बिना आपको एडमिट नहीं करते हैं। सो फिर हम लोग टेस्ट वगैरह कराया, फिर उन्होंने एडमिट किया और सारे ब्लड टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और स्टोन भी काफ़ी 21 mm का हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आपको इमिडिएटली ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर वही है कि अब डॉक्टर की बात सुन के ये भी डर गए, हस्बैंड भी डर गए, मैं भी डर गई। कि फिर डॉक्टर ने बोला और आपकी जो स्टोन है वो इतना ज़्यादा स्टिक हो रखा है ना गॉल ब्लैडर में कि इमिडिएटली अगर ऑपरेशन नहीं किया तो वो मतलब प्रॉब्लम कर सकता है। तो फिर यही है, हम एक्चुअली घर में भी 3 ही मेम्बर्स थे, हस्बैंड वाइफ और मेरी मतलब मेरी बेटी, हम 3 जने ही थे। फिर क्योंकि हॉस्पिटल में भी किसी को साथ में रहना ज़रूरी होता है, फिर मेरी सिस्टर जो हैं यही नोएडा में रहती हैं और एक साहिबाबाद में रहती है, फिर उन्हें कॉल किया, उन्हें बताया तो वो बोले ठीक है हम आ जाएंगे। फिर वो दोनों जने आए और फिर हम मेरा ऑपरेशन के लिए लेकर गए मुझे ओटी में। तो मुझे मतलब 4 घंटे से ज़्यादा लग गया ओटी में। फिर डॉक्टर ने बताया कि आपको मोस्टली हम लोग 1 घंटे में इस ऑपरेशन को कर लेते हैं, बट आपको टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइंस थी वो एक दूसरे में इतनी टैंगल्ड हो रखी थी वॉमिट हो के, तो इतनी टैंग पहले उनको ठीक किया गया, मतलब पूरे टैंगल उनको इतनी फंस गई थी आपस में, तो उनको ठीक किया गया। उसके बाद गॉल ब्लैडर में भी स्टोन इतना ज़्यादा स्टिक हो गया था कि उसको खुरच के समझ लो निकालना पड़ा, मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। सो ठीक है, ऑपरेशन हो गया, मैं ओटी से बाहर आ गई और उसके बाद ठीक था सब कुछ। शाम के टाइम जो है डॉक्टर ने बोला कि चाय वाय कुछ देते हैं, तो जैसे ही मैंने चाय का एक सिप लिया, जैसे ही इतना ज़्यादा पेन मतलब पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, फिर डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने चेक किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए, अब तो सब कुछ ठीक है। फिर वापस से अल्ट्रासाउंड कराया उन्होंने, देखा तो उन्हें पता पड़ा कि गैस के बबल्स जो हैं स्टक हो रखे हैं जगह जगह, तो उसकी वजह से जो है मुझे पेन हो रहा है। तो उन्होंने फिर मेरा पूरा डाइट वगैरह सब बंद कर दी और 4 डेज तक मुझे ग्लूकोज पे ही रखा और साथ में मुझे ड्रिप मतलब ड्रिप चढ़ रही थी और उसमें इंजेक्शन जो भी जा रहे थे दवाई, तो मतलब फिर 4 डेज के बाद भी मुझे पेन में रिलीफ नहीं मिला। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि भाई फिर आपके नोज़ में से पाइप डालना पड़ेगा और वहाँ से क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे इतना डर लग गया कि क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं ऐसा लगता है। फिर लेकिन भगवान की दया से सब ठीक रहा, मतलब मेरा हो गया ठीक, मुझे पेन वेन सब ठीक हो गए, वापस अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ ठीक था। फिर आफ्टर 4 डेज मेरा डिस्चार्ज हुआ और मैं घर आई, इतना रिलीफ मिला कि चलो, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद वापस आपको
सॉरी एकदम सही सलामत घर आना बहुत बड़ी बात है। बस फिर उसके बाद मैं मतलब अभी ठीक है, मुझे डॉक्टर गोविंद यादव जो यहाँ अपोलो में सामने हमारे हैं सर्जन है, बहुत अच्छे सर्जन है, उन्होंने मेरी सर्जरी करी और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यही है कि अगर मतलब मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, जैसे मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा, हम लोगों को हमेशा टाइम पर दिखा देनी चाहिए। अगर यही चीज़ मुझे मतलब पेन तो मुझे 2 साल से था, अगर मैं पहले दिखा लेती तो शायद मुझे गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं कराना पड़ता, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो हमारी बॉडी का ही एक ऑर्गन है, अगर हम उसको निकाल देते हैं तो अभी तो ठीक है, अभी हम यंग एज में है, पर धीरे धीरे कहते हैं कि आप जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। बट वही इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें हर चीज़, अगर कुछ भी, लेडीज़ मोस्टली यही करती है कि कोई बात नहीं, अवॉइड करती है चीज़ों को, हो गया तो ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम अपना चेकअप को ज़रूर कराना चाहिए। तो अब से अब मैंने यही डिसाइड किया है कि ईयरली मैं अपना चेकअप ज़रूर कराऊँगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी है। तो मैं आपको अभी वीडियोज़ भी दिखाती हूँ अपने हॉस्पिटल्स के, और बस एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। If you move out from my side, I'll be losing. देखा कि मैंने मतलब किस तरह से मुझे डिस्चार्ज हुआ और कैसे मेरा पूरा हॉस्पिटल का रहा। सो बस यही है सबसे कि सब लोग बिल्कुल ठीक रहे, हेल्दी रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और बस आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, एंड बाय, आई लव यू।